Yeah.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
बलम कृष्ण सर्वे संतु निर्भया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् भावने हरिओं शांति 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 ओम कहो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की पेश खिदमत है। तुम्हें सामने मेरे मुस्कराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। तुम सामने मेरे मुस्कराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। तुम बात ही बात में रूठा करो, मैं मिन्नत करके मनाता रहूं। तुम बात ही बात में रूठा करो, मैं मिन्नत करके मनाता रहूं। तुम सामने मेरे मुस्कराते रहो प्रभो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। तुम रात में गीता थामे रहो और वाद रस दिखाते रहो। मैं प्रेम और मस्ती में भर कर प्रभो तेरे श्लोकों का तुझको सुनाता आपके श्लोक और आपको नाजुक ख्याली है ना आपके साधु की। ओ मैं प्रेम और मस्ती में भर कर प्रभो तेरे श्लोकों का तुझको सुनाता रहूं। तुम सामने मेरे मुस्कराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। तेरे नूरानी रूप ने भगवन मेरे इस मन को तो भंवरा बना ही लिया। तेरे नूरानी रूप ने भगवन मेरे इस मन को तो भंवरा बना ही दिया। तुम्हें अचली अवस्था में खड़े रहो, मैं भंवरे को रस चुसाता रहूं। तुम असली अवस्था में खड़े रहो, मैं भंवरे को रस चुसाता रहूं। तुम सामने मेरे मुस्कराते रहो, तुम सामने मेरे मुस्कराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। तुम बात ही बात में रूठा करते हो मोहन, बात ही बात में और वो भी मेरे से मुझे भी मनाना आता है। तुम रूठने में नंबर वन और मैं मनाने में भी नंबर वन तुम बात ही बात में रूठा करो, मैं मिन्नत करके मनाता रहूं। तुम सामने मेरे मुस्कराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। ओ सुंदर पीताम्बर वाली आशा कभी गमरी और निहारा भी
सुंदर पीताम्बर वाले अशाम कभी हमारी ओर भी निहारा कर। सुंदर पीताम्बर वाले अशाम वो कभी हमारी ओर निहारा, विकत तेरी कनिगाह की खातर प्रभु मैं मन का अपने सजाता रहूं। ओ तेरी एक निगाह की खातर, ओ तेरी एक निगाह की खातर प्रभु मैं मन का अपने सजाता रहूं। ओ तुम्हें सामने मेरे मुस्कराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। तुम बात ही बात में रूठा करो, बात ही बात में नटखट के नाई तुम बात ही बात में रूठा करो, मैं मिन्नत करके मनाता रहूं। श्री गीता जी ने जो वादा किया वो अब तक याद तो होगा तुम्हें। कनाई कनाई है कि नहीं याद, करा दो याद। आपको वो याद है ना, जिदा जिदा सी धर्म करा दिया ना याद। सुन लो, श्री गीता जी ने जो वादा किया वो अब तक याद तो होगा तुम्हें। क्या था? जब जब धर्म की हानि होए मैं अवतार बन कर आता रहूं। जब जब धर्म की हानि होए मैं अवतार बन कर आता रहूं। तुम सामने मेरे मुस्कराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। तुम सामने मेरे मुस्कराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। भर तो ज्ञान मेरी इस वाणी में, भर दो मस्ती मेरे इन नैनों में। भर दो ऐ भंडारी, भर दो, भर दो ज्ञान मेरी इस वाणी में, भर दो मस्ती मेरे इन नैनों में। ओ मैं कहीं भी चलूं ओ मैं कहीं भी रहूं ओ मैं कहीं भी चलूं, मैं कहीं भी रहूं, उस मस्ती कार दम लुटाता रहूं। ओ मैं कहीं भी चलूं, मैं कहीं भी रहूं, उस मस्ती कार दम लुटाता रहूं। प्रभो तुम सामने मेरे मुस्कराते रहो, मैं गीतों से तुम को रिझाता रहूं। तुम्हें बात ही बात बात ही बात में रूठा करो, तुम बात ही बात में रूठा करो, मैं मिन्नत करके मनाता रहूं। किस तरह तुम को रिझा सकूं, किस तरह श्री चरणों में आ सकूं। आना तो जरूर है, आज नहीं तो कल सही, श्री चरणों में आना तो है मेरे प्रभु। देख लो मेरी ओर, ये मेरा पक्का इरादा है, बहुत आ चुका हूँ, बाकी भी आ ही रहा हूँ, आना जरूर है मेरे मालिक। किस तरह तुमको रिझा सकूं, किस तरह श्री चरणों में आ सकूं। तुम जैसे बिरिजो है ऐ नंद लला, ओ तुम जैसे बिरिजो है नंद लला, वो ही
स्वांग में रच कर आता रहूं वो तुम जैसे बिरी जो है नंद लला वो ही स्वांग में रच कर आता रहूं वो तुम सामने मेरे मुस्कराते रहो मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं वो तुम बात ही बात में रूठा करो मैं मिन्नत करके मनाता रहूं तुम सामने मेरे मुस्कराते रहो मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। घड़ी घड़ी पाल पाल चिन चिन निश दिन घड़ी घड़ी पाल पाल चिन चिन निश दिन प्रभु जी का सिमरन कर लो रे भाई प्रभु जी का सिमरन कर लो रे घड़ी घड़ी पाल पाल चिन चिन निश दिन घड़ी घड़ी पाल पाल चिन चिन निश दिन प्रभु जी का सिमरन कर लो रे भाई प्रभु जी का सिमरन कर लो रे घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन घड़ी घड़ी बुलाए घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन प्रभु जी का सिमरन कर लो रे भाई प्रभु जी का सिमरन कर लो रे प्रभु सिमरन से पाप कटत रहे प्रभु सिमरन से पाप कटत रहे जन्म मरण दुख हर लो रे भाई जन्म मरण दुख हर लो रे प्रभु सिमरन से पाप कटत रहे प्रभु सिमरन से पाप कटत रहे जन्म मरण दुख हर लो रे भाई जन्म मरण दुख हर लो रे प्रभु सिमरन से प्रभु सिमरन से पाप कटत गए प्रभु सिमरन से पाप कटत गए जन्म मरण दुख हर लो रे भाई जन्म मरण दुख हर लो रे प्रभु सिमरन से पाप कटत गए प्रभु सिमरन से पाप कटत गए जन्म मरण दुख हर लो रे भाई जन्म मरण दुख हर लो रे घड़ी घड़ी पाल पाल चीन चीन निश दिन घड़ी घड़ी पाल पाल चीन चीन निश दिन प्रभु जी का सिमरन कर लो रे भाई प्रभु जी का सिमरन कर लो रे घड़ी घड़ी पाल पाल चीन चीन निश दिन घड़ी घड़ी पाल पाल चीन चीन निश दिन प्रभु जी का सिमरन कर लो रे भाई प्रभु जी का सिमरन कर लो रे घड़ी घड़ी पाल पाल चीन चीन निश दिन घड़ी घड़ी पाल पाल चीन चीन निश दिन प्रभु जी का सिमरन कर लो रे भाई प्रभु जी का सिमरन कर लो रे प्रभु सिमरन से पाप कटत गए प्रभु सिमरन से पाप कटत गए जन्म मरण दुख हर लो रे भाई जन्म मरण दुख हर लो रे प्रभु सिमरन से पाप कटत गए प्रभु सिमरन से पाप कटत गए जन्म मरण दुख हर लो रे भाई जन्म मरण दुख हर लो रे प्रभु सिमरन से पाप कटत गए प्रभु सिमरन से पाप कटत गए जन्म मरण दुख हर लो रे भाई जन्म मरण दुख हर लो रे प्रभु सिमरन से पाप कटत गए प्रभु सिमरन से पाप कटत गए जन्म
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन प्रभु जी का सिमरन कर लो रे भाई प्रभु जी का सिमरन कर लो रे घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन प्रभु जी का सिमरन कर लो रे भाई प्रभु जी का सिमरन कर लो रे घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन प्रभु जी का सिमरन कर लो रे भाई प्रभु जी का सिमरन कर लो रे घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन घड़ी घड़ी बुलाए घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन प्रभु जी का सिमरन कर लो रे भाई प्रभु जी का सिमरन कर लो रे प्रभु सिमरन से पाप कटत रहे प्रभु सिमरन से पाप कटत रहे जन्म मरण दुख हर लो रे भाई जन्म मरण दुख हर लो रे प्रभु सिमरन से पाप कटत रहे प्रभु सिमरन से पाप कटत रहे जन्म मरण दुख हर लो रे भाई जन्म मरण दुख हर लो रे प्रभु सिमरन से प्रभु सिमरन से पाप कटत गए प्रभु सिमरन से पाप कटत गए जन्म मरण दुख हर लो रे भाई जन्म मरण दुख हर लो रे प्रभु सिमरन से पाप कटत गए प्रभु सिमरन से पाप कटत गए जन्म मरण दुख हर लो रे भाई जन्म मरण दुख हर लो रे घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन प्रभु जी का सिमरन कर लो रे भाई प्रभु जी का सिमरन कर लो रे घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन प्रभु जी का सिमरन कर लो रे भाई प्रभु जी का सिमरन कर लो रे घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन प्रभु जी का सिमरन कर लो रे भाई प्रभु जी का सिमरन कर लो रे घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन घड़ी घड़ी पाल पाल छीन छीन निश दिन प्रभु जी का सिमरन कर लो रे भाई प्रभु जी का सिमरन कर लो रे प्रभु सिमरन से पाप कटत गए प्रभु सिमरन से पाप कटत गए जन्म मरण दुख हर लो रे भाई जन्म मरण दुख हर लो रे प्रभु सिमरन से पाप कटत गए प्रभु सिमरन से पाप कटत गए जन्म मरण दुख हर लो रे भाई जन्म मरण दुख हर लो रे प्रभु सिमरन से पाप कटत गए प्रभु सिमरन से पाप कटत गए जन्म मरण दुख हर लो रे भाई जन्म मरण दुख हर लो रे प्रभु सिमरन से पाप कटत गए प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते व
प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भूनातु सेविर्यं करवा ते जपिनौ अधीतमस्तु मद्विषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की के राज विद्या राजगुह्य योगनामी नव अध्याय चलाए हुए हैं और ये प्रसंग है 22वें श्लोक का। मेरी अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार हमने इस पर हर पहलू से इंसाफ करने की पूरी पूरी कोशिश की है। अब भगवान ने हमें जो अपनाने के तरीके बताए हैं, जो साधन, और वो भी महापुरुषों के अनुभव के आधार पर, भगवान करे हमारा भी अनुभव ऐसा होने लगे। जो हजूर ने बड़ा गजब का पाठ पढ़ाया है, जो करती है खालिस इबादत मेरी, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया, पूर्व के अच्छे कर्म जाग गए हैं, हमारे मन भगवान की ओर लग गया। मोहब्बत के लिए, प्रेम के लिए कोई कंपल्शन नहीं होती। जब पूर्व के संस्कार जागती है, तब केवल मात्र तब मेरी माता और बेटियों मन भगवान की ओर झुकता है। प्रभु की ओर झुकना आसान बात नहीं है। मैं तो क्या दुनिया बनाने वाला, गीता जी अपने श्री मुख से उच्चारण करने वाले भगवान कृष्ण अपने श्री मुख से पता नहीं किस प्रकार ये सर्द आप भर के कह गए हैं। अपने मुख से उन्होंने कितने प्रेम से कहा, कितने प्रेम से पुकारा, अपने मुख से क्या कहा, जो हजारों में होगा कोई खाल खाल, और जिसको फिक्रे हसूले कमाल, हजारों में कोई एक आध व्यक्ति होता है। तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी कलयुग के अंदर, जो इस प्रकार का भगवान ने प्रदान किया, ऐसी उस कोटि की भक्ति, ऐसा उस कोटि का प्रेम महाराज जी ने प्रदान किया। ये भगवान की विशेष कृपा, ये प्रभु की विशेष दया है, बड़ी दया है जो मेरे मालिक ने ऐसी कृपा कर डाली और हमें प्रेम बख्श दिया। ध्यान से बेटे चूको नहीं। तो ये जो अनन्यता बात है, अनन्यता की बात है, अनन्यता की, महाराज जी जो अनन्यता के पुजारी बन रहे हैं और कह रहे हैं अनन्य, बच्चे ना गड़बड़ मचाओ, वक्त जा रहा है, बहुत थोड़ा टाइम है। अनन्यता, अब बात देखिए, अनन्यता, अन्य की ओर मन नहीं जिसका, यह है चोटी की भक्ति, यह है चोटी का प्रेम। भगवान करे जो मैंने मेहनत की, इतने देर बताया समझाया, इतने दिन आप सबको कहा, ये हमारे में बस जाए, ये ग्रंथों में ना रह जाए, ये शास्त्रों में ना रह जाए, ये पन्नों में ना रह जाए, ये अक्षरों में ना रह जाए, ये स्याही में ना रह जाए, पंडितों के उच्चारण में ना रह जाए, बल्कि हमारे जीवन में उतर आए। हम कलयुगी जीव हैं और कलयुग के में भगवान के साथ विशेष प्रेम करने लगे हैं, ये हमारे भाव बन जाए। प्रभु की आकार कृपा से ये हमारे ऐसे विचार बन जाए। अनन्य, इसी को उर्दू में कह जा रहा है या अनुवाद में कह रहे हैं, क्या जो करती है खालिस इबादत मेरी। खालिस का मतलब जिसके मन में और कोई चिंता नहीं, संसार संबंधी चिंता नहीं, या किसी भी प्राणी पदार्थ को लेकर चिंता नहीं, केवल मात्र जिनके ख्यालों की दुनिया में भगवान जी उतर आते हैं। ख्यालों की दुनिया में मैं कह रहा हूं बेटियों, मन है विचारों का नाम, विचारों की दुनिया में जिनके भगवान रहती है, भगवान का चिंतन, भगवान का विचार, महामंत्र का जाप, भगवान का शुक्र बजा लाना, जो काम करना महाराज जी के लिए बड़ी प्रसन्नता और बड़ी सुफूर्ति के साथ हजूर के लिए करना, ये होता है ख्यालों की दुनिया में भगवान का आना। जब वो ख्यालों की दुनिया में आती है, तो फिर कभी ना कभी जी प्रभु के दिव्य दर्शनों के योग्य भी हो जाता है। तो अभी तो हम इतने प्रसाद करें, विचारों की दुनिया में अपने इष्ट देव जी को उतारे, इतना हो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, मैं मानता हूं कई बार भूल जाओगे, फिर निगरानी रख ली, कई बार आप भूलेंगे, फिर अपने मन को खींचेंगे, दोबारा अपने मन को ले आएंगे और महाराज जी के श्री चरणों में या महाराज जी के ध्यान में केंद्रीभूत कर देंगे, करते करते हो जाएगा। वो तो महाराज जी ने स्पष्ट कहा है, सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान गए तो मिलना मेरा उसको आसान है। युग बदल गए, शताब्दियां बदल गई, कलप बदल गए, लेकिन भगवान का नियम कभी बदल नहीं सकता, इसमें जरा भर भी कोई तब्दीली नहीं आ सकती। महाराज जी का फरमान कभी भी अन्यथा नहीं हो सकता, वो वैसा ही रहेगा। तो जो लगातार मेरे चिंतन में लगे हुए हैं, वो मेरे तख्त को हिलाना चाहते हैं और मुझे मजबूर कर रही है कि मैं उन पर तर्स करूं, रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बनाता हूं मैं। भगवान करे मैं और आप इसी जुमरे में आ जाए, मेरी उपस्थित माताएं बेटियां इसी क्रम में आ जाए। भगवान जी हमारे लिए कह उठे, आया आया मैं आया।
ये कब होगा? जब हम लगातार महाराज जी के चिंतन में लगे रहेंगे, क्योंकि हजूर का यह अटल नियम है जो आठवें अध्याय में भगवान ने डिक्लेयर किया है। क्या क्या महाराज जी ने बिल्कुल डिक्लेयर किया है, भूत जो भूतों को पूजे वो भूतों को पाए, जो भूतों को पूजे वो भूतों को पाए, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, जो पितरों को पूजे वो पितरों को पाए, परस्तार मेरे मेरे पास आए। ये उनका अटल नियम है कि जो जिस जगह में दिल लगा रहा है उसी को वो मिल रहा है, और जो पूर्ण पेन मेरे में लगे हुए हैं, सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। मैं और आप कभी ना भुला पाएंगे, मेरी उपस्थित धार्मिक माताएं, मेरी उपस्थित कल्याण कामिनी बेटियां कभी ना भुला पाएंगी कि अब मन भी देना है तो मालिक की ओर लगा के, जिससे लोग पर लोग तो बन जाए, संसार में मन देंगे बार बार वो भी आएगा हम भी आएंगे। याद रखना गीता कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया, अगर आपने संसार में कहीं दिल दिया तो आप अपने भी साथ ही वैर कमा रहे हैं, उसके साथ भी वैर कमा रहे हैं। अगर आपका मां के साथ बहुत प्यार है, परमात्मा की कसम आपको मां को भी मजबूर करोगे जन्म लेने के लिए, आप भी मजबूर हो जाओगे। अब क्या होगा मैं बता दूं आप शास्त्रों की बातें, जिनको अपने मां के साथ बहुत प्यार है क्या होगा, अगले जन्म में आप मां बनोगी वो बेटी बन जाएगी। अगर किसी बेटी को, मुझे ना बोलने दो ये आज की बातें, मुझे फिर ले सुन लो, अगर किसी बेटी को पिता के साथ बहुत ज्यादा प्यार है, हाँ अगले जन्म में वो बाप बनेगा वो बेटा बन के आएगा, दोनों ये जीव जरूर मिलेंगे। अगर आपको बहनों बहनों में बड़ा प्यार है, हाँ बहुत ही ज्यादा प्यार है, अगले जन्म में यही दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह जाएंगी। मुझे ना बोले मेरी मुंह में लगाम दो, अगर आपके मन में उथल पुथल बचती है तो, अगर आप दो दोस्तों में बड़ा प्यार है, बहुत ही ज्यादा प्यार है, और शारीरिक प्यार, आत्मिक प्यार की बात मैं कर नहीं जा रहा, शारीरिक प्यार है, हाँ अगले जन्म में लाजमी तौर पर एक ही घर में सगे भाई बन के आओगे। मिला क्या, मिट्टी पाई हम लोगों ने, फिर क्या हुआ, एक दूसरे के साथ वैर कमा लिया। अगर कोई दो लड़की है आपस में बहुत प्यार है, बड़ा प्यार है, रज के प्यार है, अगले जन्म में अगला जन्म तैयार है, अगर आपका प्रगाढ़ प्यार है, शारीरिक प्यार प्रगाढ़, शरीर को लेकर के, शरीर को लेकर बातें होती है, शरीर को लेकर सब कुछ होता है, शरीर के मैं कह रहा हूं, हाँ लाजमी तौर पर जन्म में जन्म होने वाला है, एक ही परिवार के अंदर बहने बन के आ जाओगी। यानी ज्यादा क्या कर लिया, अगर हम लैला मजनू के किस्से पढ़ते हैं, क्या किया हमारे हिंदू धर्म के अटल नियम के अनुसार, लैला बनी होगी मजनू और मजनू बना होगा लैला, अगले जन्म में मालिक ने उनका मिलाप तो करवाया होगा लेकिन सेक्स चेंज, इन दोनों के सेक्स बदल गए होंगे, तो फिर क्या लिया, मिट्टी पाई, फिर चक्कर काटते रहे, जहां पर धक्के खाते रहे, अपने आप को गर्दश में रखा, गर्दश छूटे तो नहीं ना, सिर्फ रूपांतर हो गया, शक्लें बदल गई, वातावरण बदल गया, भगवान ने फिर मिलाया कि ठीक है, जा का जा पर सप्त स्नेहू सो ताही मिले न कछु संदेह, वही बात गोसाई जी ने रामायण में लिखी, जो सिद्धांत पुराणों में था, जो सिद्धांत भगवान कृष्ण ने गीता जी ने बताया, वही महाराज जी ने तर्जमा करके रामायण में लिख दिया। भाई देख ठीक है, जा का जा पर सप्त स्नेहू सो ताही मिले न कछु संदेह, रावण के पास रहता हुआ विभीषण भगवान के में मन लगाए हुए है, हालात ऐसे बन गए कि रावण ने लात मारी, मुक्के मारे, धक्के मार के लंका से निकाल दिया, राम के साथ मिल गए। इसका जिसके साथ प्यार होगा, प्रकृति उसको उसके साथ मिलाप कराना चाहती है, ये तो हमें कोई बताता नहीं, समझाता नहीं। और अगर हमें अपने साथ प्यार है, बन के ठन के रहना, मेकअप करके रहना, सुंदर बन के रहना, एक एक अंग को चमका के रहना, ये शो ऑफ करनी अपने आप को, एक एक अंग को जरा प्रकट करके रहना, या और अपने आप को जरा बड़ा स्त्री बना के रखना, हाँ ऐसे व्यक्ति हाय मेरा रब्बा, अगले जन्म में क्या वेश्याएं बन जाती हैं, ऐसे जन्म में वेश्याओं के प्यारे जीव बन जाते हैं, अनेक शी को आप क्या प्यार करने लग जाएंगे, अगले जन्म में अनेक शी मिलेंगी और प्यार, इससे बाकी क्या होगा, क्या लोगे, मिट्टी पाई। अगर कोई शरीर के प्यार में और प्रकट करने में रहता है कि मेरे अंग बड़े अच्छे लगे और मैं शोआफ करता रहूं, लो फिर अगले जन्म में वेश्या यूनि वाल उतरे, अरिमाई गोविंद नाम ना बिसरे। ऐसे अगर जो बच्चे अनेकों से प्यार करती रहती हैं, आइए फिर अगले जन्म में आओ, एक पत्नी से नहीं गुजारा होगा, अनेक आपको लेनी पड़ेगी। हाय लगाई थी लौ जिससे हासिल वो, तो मेरा ये किस्सा नहीं है, मेरी ये बात ही नहीं है, क्योंकि मैं तो ज्ञान की बातें गीता सुनानी है। अगर द्रौपदी को पांच पति मिले तो उसकी अपनी बेवकूफी से देवलोक के अंदर बैठे हुए जब ये पांचों आए थे तो इसने देखा, पांचों पर नजर अपनी ऐसी मारी, और है यहां भी ऐसी बात, जाओ मृत्यु लोक में तुम्हें पांचों मिलेंगे। मेरा तो ये काम नहीं है ये बातें बताना, पांच क्यों द्रौपदी के हुए, इनकी अपनी कमजोरी कारण से,
पुराण बताती है द्रौपदी की अपनी कमजोरी थी। आपने इन लचाई नजर से इन पांचों को देखा था जो देवता थे, तो शाप मिला, जा फिर जहां भी होकर धर्म जो मीटिंग लगी है तुम इनको इस तरह से जाओ, फिर जाओ जाओ लो लो लो। अगर आप एक एक के बैकग्राउंड में जाए तो कानों को हाथ लगाए और बार बार कहें कि भगवान के सिवा चिंतन भी करना गुनाह है। अगर होता भी चिंतन है किसी का तो आत्मिक रूप में, पतिदेव आपकी हैं, पत्नियां बनी हैं, आत्म रूप से करो। हम जो कहते हैं पति परमेश्वर, हर बात चाम नहीं, जो इनको चला रहा है वो मेरे परमेश्वर है। ये था हमारी भावना हिंदू धर्म की, बड़ी चोटी की भावना, पति परमेश्वर इस रूप में मेरे परमेश्वर मेरे कल्याण के लिए आए थे। कहां वो गंदी भावना रहेगी, कहां गंदे विचार रहेंगे, दोनों आप पर बन जाएंगे, उड़ारियां मारते रहेंगे। और उनको कहा जाएगा धर्म पत्नी, आहा मेरी, हमारे शब्द देखो जरा, हमारे पर भोग पति नहीं कहा जाता, विलासनी या रमणी नहीं कहा जाता, हमारा कहा जाता धर्म पत्नी, धर्म का साथ देने वाला मेरा आधा अंग। एक एक शब्द जब वक्त बदल गया, सिद्धांत तो नहीं बदले, हवाएं और फिजाएं जहरीली हो गई, पर सिद्धांत तो फिर भी सिद्धांत रहेंगे, सिद्धांत तो वैसे ही रहेंगे, दो और दो चार, चाहे कितने योग गुजर गए, दो और दो चार ही बोलेंगे हम लोग, इसलिए सिद्धांत तो सिद्धांत ही है। ध्यान के साथ मेरी बच्ची, मैं तो हैरानगी से अपने मन में रखे हूं, कई बातें बोलता ही नहीं हूं, मेरा विषय ही नहीं, मैं करूंगा प्रसंग चला हुआ है। अगर हम नहीं भगवान के साथ लाव लगाते तो ना लगाओ, आपके साथ वैर कमाओगे, भगवान ने स्पष्ट है, पर भगवान क्या करो, भगवान जो ना क्लियर नहीं करते, डर ना जाए। आज मैंने क्लियर करने की कोशिश की, भगवान क्लियर नहीं करते, बस थोड़ा सा टच कर दे, जैसे बड़े दिमाग वाले बैठे। कई बार मैंने भगवान से लड़ाई भी करी है, माफ करना आप सब, अपने इष्टदेव जी से लड़ाई करी, भगवान आप स्पष्ट क्यों नहीं बोलते, जिसे काबू नहीं नस पर, देखो सिर्फ इशारा किया, जिसे काबू नहीं नस पर वो दुश्मन है अपने लिए सर बसर। स्पष्ट कहा है अर्जुन, जो अपने मन को मेरी ओर नहीं लगा रहा वो अपना अपने साथ वैर कमाता, मुनासर नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे वो खुद को उठाए, के इंसान खुद अपना ही गम खार है, वो अपना ही बदखाओ गद्दार है। अर्जुन जी अपने साथ आप ही मित्र है और अपने साथ आप ही वैर कमाता है, कब, जब इसका मन नाम रूपों में जाता है तो ये अपने साथ वैर कमा रहा है, और जब इसका मन मेरे चिंतन में लगता है इस जैसा फिर मित्र भी कोई है। अपने मन पर कुछ समझा लो मेरे बच्चे, आप समझा लो, जो गलतियां हो गई हो गई, घर में मां है बाप है बहन है भाई है सारे हैं, मन में ये रखो इंसानों को चला कौन रहा है, बस ये तो भगवान ने कहा निकल जाओ भाग जाओ दौड़ जाओ रहो बिचक रहो इन्हीं के अंदर रहो, एक भाव रे करके इंसानों को चलाने वाले मेरे इष्टदेव है। अगर ये झूठी बात हो खड़े हो जाओ मेरे मुंह में लगाम डालो, मुझे कान से पकड़ करके व्यास गद्दी से नीचे फेंक दो। कितनी दुनिया में सच्चाई है ये, अनेकों में जात एक है, और ये ना कहा करो भगवान कहीं नाराज जाएंगे, क्या अनेक आत्मा है, कभी कभी भी शक्ति के टुकड़े नहीं होते, पावर कैन नेवर बी डिवाइडेड। और पढ़े लिखो मेरे साथ बातें कर लो, और साइंटिस्ट मेरे से बातें कर लें, बेटी पावर के कभी, एनर्जी कैन नेवर बी डिवाइडेड, एनर्जी कैन नेवर बी स्टोल्ड, एनर्जी को आप टुकड़े नहीं कर सकते, एनर्जी को आप चने दाल की बोरियों की तरह स्टोर नहीं कर सकते, एनर्जी कैन नेवर बी स्टोल्ड, एनर्जी कैन नेवर बी स्टोल्ड, एनर्जी कैन नेवर बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इट नेवर कैन बी डाइसेक्टेड, डाइसेक्टेड, इसको आप डाइसेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि जो है मेडिकल स्टूडेंट कोई जानवर लेकर उसको डाइसेक्ट करते हैं, यू कैन नेवर डाइसेक्ट लाइक वाइज, नो एनर्जी के टुकड़े हो ही नहीं सकते, एनर्जी एक जैसी रहेगी, एनर्जी इज ए कॉम्पैक्ट, इट इज ए कॉम्पैक्ट, यू कैन नॉट डिवाइड इनटू सो मेनी पार्ट्स। और मेरे साथ चलो मेरे साथ तेरे अध्याय के अंदर हमारे सरताज अपने श्रीमुख से क्या क्या कह रहे हैं, अर्जुन 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 तकसीम इसकी मुश्किल ऐ जी शऊर, मगर उसका हर शय में हिस्सा जरूर, तकसीम अर्थात डिवाइड अर्थात विभाग, आप इसके विभाग नहीं कर सकते, जैसे खरबूजों के आपने 8-10 विभाग कर दिए, इतना बड़ा खरबूजा आपको मिला, फाड़िया आपने काटी, ये जहां लकीरें लगी होती है भगवान ने फुटे रख रख के लकीरें लगाई, आपने जहां लकीरें लगी चाकू मारती गए ये फाड़ियां बनती गई, शाबाश। इस तरह आप परमात्मा के टुकड़े नहीं कर सकते, परमात्मा हमेशा एक रहेगा। अगर यह बात सच्चाई की है तो उन्हीं का छाया उन्हीं का प्रतिबिंब हर एक के अंदर है, जैसे सूर्य के हमने टुकड़े नहीं किए, सूरज है हर पानी के अंदर, सूरज है हर घर के अंदर, है सूरज हर घर के अंदर है, सूरज तो एक आकाश का, हाँ यूं क्यों नहीं कहती, उसकी किरणें हर एक घर में है, उसकी रोशनी हर एक घर में है, यूं कहना पड़ेगा उसका प्रतिबिंब उसका शेडो उसकी छाया हर एक पानी में है,
सूरज तो एक ही है, इस तरह सर्वव्यापी परमात्मा एक ही है, उसकी शक्ति हर एक के अंदर है। बड़े नादान है और भगवान को नाराज कर रही है जो कहते हैं आत्माई, अरे बहुवचन नहीं होता, आत्मा पजामा नहीं है कि ऊपर से है एक वचन नीचे से बहुवचन, आत्मा पजामा नहीं है, मजाक ना किया करो ऐसी बातें में, क्या करो बड़े सख्त नाराज होंगे, बहुत ऐसी मजाक ऐसी गलत बातें भी नहीं करनी चाहिए, बड़ी गई गुमराह हो जाती है, आत्माएं नहीं होती, बड़े कड़ धर्म धार्मिक रूप में तो मजाक भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, आत्माएं कहना बड़ा भारी गुनाह है। मेरे गुरुदेव जब गए थे अमेरिका के अंदर, जब उन्होंने लेक्चर स्टार्ट करना था, इतनी तारियां बजी, कहती हैं 22 मिनट तारियां बजती रही, कब जब उन्होंने संबोधन किया, वही तो आ रहा था, कह रहा था सर जो है लेडीज एंड जेंटलमैन विवेकानंद आया और बोले सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और स्वामी जी का संबोधन देखो जरा, माई ओन सेल्फ इन दी फॉर्म ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन, माई ओन सेल्फ, देखो जरा कहां गया, कहां पहुंचे, माई ओन सेल्फ इन दी फॉर्म ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या माताओं महलों और पुरुषों के रूप में आए मेरी आत्मा, इतनी जोर की तारियां बजी, इतनी जोर की हाय महिलाओं और पुरुषों के रूप में मेरी ही आत्मा, माय ओन सेल्फ इन द फॉर्म्स ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका संबोधन, दूसरे को यूं संबोधन करना, कोई तो कह रहा लेडीज एंड जेंटलमैन, और विवेकानंद एकदम और दो कदम बढ़ गए, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उनका ये संबोधन था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, फिर बड़ी तारी बजी, क्या हो बड़े नजदीक पहुंची है, और समझी ना कहा है मैं तो तुम्हें छाती में रखता हूं, वे कह रहे हैं तुम्हें यूं लगाया जिसम के साथ, और मैं तो तुम्हें छुपाए रखता हूं, निकलो मेरे अंदर से, माय ओन सेल्फ, ओ मेरी ही आत्मा, और तो और भाइयों के रूप में, हाय 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 हाय, तुम मुझसे जुदा नहीं, मैं तुमसे जो है जुदा नहीं, और हम एक ही में आत्मा रूप में, जो हमें चला रही है सत्ता उस रूप में, शाबाश यूं ध्यान किया करो, घर के अंदर माँ है बाप है बहन है भाई है, मुद्दसी है शताब्दियों सी है, लेकिन उनकी दृष्टि ठीक थी, हमारी दृष्टि में फर्क है, इसी को पक्का करें, मेरी इष्टे इन सारों के अंदर है और इन सबको चला रही है, यहाँ पर रख दो 100 टेप रिकॉर्डर, एक यहाँ पर लेकर के कतार 100 टेप रिकॉर्डर, हाँ कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई बहुत बड़ा है कोई उससे छोटा है कोई बिल्कुल पॉकेट वाला है कोई कैसे कैसे सब, हाँ ये सब ठीक है, लेकिन इनमें सेल्स एक प्रकार के हैं, इनमें जो सेल होती है वो उनमें डीसी करंट होती है, सेल्स के अंदर करंट होती है डीसी, सिक्स वोल्ट होती है उनके, सिक्स वोल्ट सिर्फ डीसी का, अब करंट एक है डीसी, चाहे 100 या 1000 रख दो यहाँ पर, लेकिन करंट डीसी है, सेल में भरी होती है, एसी ये आम चलती है और वो होती है डीसी, ये होती है एसी अल्टरनेटिव करंट, वो होती है डीसी डायरेक्ट करंट, और वो 6 वोल्ट की होती है उनके अंदर, और वो करंट सारे के अंदर एक है, चाहे कितने टेप रिकॉर्डर छोटे बड़े पड़े हो साइज के अंदर, हाइट में कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन उनमें जो है डीसी करंट एक, इसी तरह चाहे छोटे बड़े कितने प्राणी हो, 84 लाख योनियां हैं, उन्हें भगवान की शक्ति सब में एक है, ये हमारे ऋषियों ने खोज निकाला अपने निर्विकल्प समाधि में, निर्विकल्प समाधि में खोज निकाला कि वो एक है, संसार भले प्राणी पदार्थ अनेक है वो एक है, शाबाश वो एक है, शाबाश घर में भी देख लो तुम बहने हो, 5 बहने 5 भाई हो, हाँ ये कहने की बातें हैं, वरना माँ बाप का खून एक ही है, और जो खून के अंदर सेल है वो माँ बाप के हैं, इस रूप में भी हम एक है, फिर देखे 5 तत्व सब में एक है, 5 तत्व सब में एक है, अंदर बाहर उन्हीं 5 तत्व को लेकर हम खा रहे हैं, अगर कोई और बड़े अगर बाहर से देखे तो एक ही माँ बाप के खून से बने हम, और खून में जो सेल है वो भी एक ही है, और अगर प्रकृति की तरफ देखें तो ये 5 तत्व हमारे सारे एक ही हैं, अंदर देखें तो ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला सूक्ष्म, और फिर ध्यान से देखें आप 5 तत्व खा के जिंदा है, किसी की जरा संस्कार जाग जाए और निर्मल हो जाए और परे हटे तो आत्मा सबके अंदर एक ही है, यहां जो पहुंच जाता है भगवान कहते हैं शाबाश ये मेरा लाडला पुत्र है जो असलियत को जान गया, वो मेरी लाडली बेटी भगवान बहुत प्यार करते हैं जो इस बात को जान जाता है, अगर इससे हटकर जमाना जा रहा है बेड़ा गर्क गर्क है, इतना राग द्वेष अलग अलग हम देखते हैं, राग द्वेष बन रहा है, काम क्रोध गोल लोभ अहंकार निंदा मत्सर चोरी यारी हवा बढ़ती जा रही है, क्या होगा अपने साथ वैर कमाए जा रहे, अपने साथ ही वैर का अगर जो परमात्मा से हटते हैं अपने साथ ही वैर कमाते हैं, आप असलियत से हटिए उतने ही आप गुनाहगार बनेंगे, जितने गुनाहगार बनेंगे उतने ही आप सजावार बनेंगे, गुनाहगार सजावार परस्तार बेड़ा पार, जितने भी है आदमी इस बात से परे हटेगा उतने ही ज्यादा गुनाह करेगा, जितने आप असलियत से परे हटेंगे नकलियत के नजदीक जाएंगे नकलियत को असलियत समझे तो फिर ठीक है,
फिर तो अनुभवियों ने सिद्धांत बना दिया। पहले पातशाह का फरमान, मंदी कमी नानका जद कद मंदा हो। मंदी आज भूलता जा रहा है पंजाब, मंदी कमी नानका जद कद मंदा हो। अगर वो तुल जाती है गंदगी और मंदगी पर तो पढ़ना तो उसका गंदा ही होना है। और जो जो भगवान से जीव दूर जाएगा, जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। भगवान किसी सीधा कह रही है महाराज की, जरा फरमान क्या है, दिलेराना है। बापू जी ने जरा नरम नरम शब्द कह दिए, ए ए हाँ बाबा, अगर जो संत महापुरुष होते नरम, और जो संतों का योगीश्वर है कृष्ण, वो नरम को नहीं कर, पर नरम में क्या सीधी बात कहो, क्या किसी को चाहे घुटने तोड़ने लगे तो चाहे तुम्हारे जो कुछ मर्जी लगे, क्या टखने लगे चाहे घुटने लगे, महाराज जी तो बात क्या डाली। ये सैनियों के सैनी क्या करते हैं, चाहे थाले लगे घुटने, चाहे तुम्हारे थाले लगे टखने, मैंने जो बात कही तेरे कह। भगवान ने कहा चाहे तेरे पैरों तले जमीन निकले, चाहे तेरे हाथ में तोते उड़े, चाहे तेरे चेहरे पे हवाइयां उड़ जाए, हाँ चाहे तेरी स्वाद मेहंदी उतरे, और चाहे तेरे पेट में कोई जो है दर्द हो पैदा, चाहे तुझे गड़बड़ मचे तेरे अंदर। भगवान ने सीधा कह दिया, बिल्कुल सिद्धांत किसी को अच्छा लगे नित ना लगे, भगवान ने सीधा सबके सामने यूं कह दिया, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू, सुनेगा ना मेरी जो हंकार से तबाही में जाएगा पिंडार से। कर्म मुकदमे जाके और कर लो सरदेव अभिषेक के जैसे मिर्चा पड़ती है ना पटन दो। भगवान ने सिद्ध कह दिया, अगर तू मुझे अपने बसा रहा है नाना प्रकार के रोगों से दूर, और अगर मेरे से दूर जा रहा है तबाही तबाही तबाही। जमाने को देख लो, इर्द गिर्द को देख लो, और मोहल्ले वालों को देख लो, और ऐसे ही रंग रोगन मल के लुभा लेती है गैरों का दिल। जरा मलमुल लिया जरा अट्रेक्टिव बन गए, वरना अंदर खाए पड़े हो। ये तो उसी तरह है जैसे कि छतीर होता है, जरा पेंट कर दिया एक कोट दो कोट लगा के सुंदर, और अंदर उस छतीर को देखा जाए तो सारी दीमक ने बोदा कर रखा है। बोदा मतलब अंदर बिल्कुल रॉटन 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 इन दी कोर, बिल्कुल खाया गया छतीर। इस तरह जीव जंतु खाए पड़े हैं चिंताओं से फिक्रों से, भले ही बार भुच्चर नजर आते हैं, बार मोटे नजर आते हैं मोटे, हाँ, और अंदर क्या है, अंदर खाए गए हैं। जैसे मैंने कहा क्या क्या रोगन किया हुआ छतीर, अंदर से दीमक लगी पड़ी है। इस तरह आज मेरी बेटियां रोहन किया होता है, मेकअप कर रखी है, लेकिन जनाब अंदर उससे वो मेरी बेटी बहुत अच्छी है जो बिल्कुल अपने शरीर का पेट नहीं करती और रोहन नहीं करती और मेकअप नहीं करती, और जिसका अंदर शांत है, पीस इन द माइंड एंड सिंपल ड्रेस फॉर बेटर, जिसके अंदर पीस जिसके अंदर शांति है अंदर। और लेकिन मैं कभी भी नहीं मानूंगा चाहे कुछ पूरा भला कहता रहा, पीस उसके होगा जो मालिक के निकट होगा, अदरवाइज तो अमन चमन हो ही नहीं सकता। जब तक अपनी समझ इंसान को आती नहीं, कह दो अपने आप को, किसी को मत कहो, कह दे मेरी होनहार बेटी अपने आप को कह दो, जब तक अपनी समझ इंसान को आती नहीं तब तक दिल की परेशानी कभी जाती नहीं। लाख पड़ा कोशिश करे कोई, जब तक अपनी समझ इंसान अपने आप को देखता नहीं, असलियत की पहचान नहीं करता, हाँ लाख कोशिश करता रहे शांत हो जाऊं, इट कैन नेवर 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 बी पॉसिबल। क्योंकि मैंने कई बार आपको पहले कहा शांति भगवान की मोनोपली है, पीस ऑफ माइंड इज मोनोपली ऑफ लॉर्ड कृष्णा, पीस ऑफ माइंड। सब कुछ आपको संसार से मिल जाएगा, लेकिन मन का आमन चमन भगवान के अतिरिक्त कहीं से मिल भी नहीं सकता। लालच जोर बजाले डन, लालच जोर बजाले डन, भगवान के सिवा किसकी शांति नहीं मिल सकती। विशक जो मर्जी टेल लगाते रहो, जो कोई मर्जी मेरा बेटा मेरा बुजुर्ग करता रहे, और बड़े बड़े राजा बनते रहे, बड़े बड़े मिनिस्टर बनते रहे, वो बनते रहे, वो प्राइम मिनिस्टर बनते रहे, चाहे प्रेसिडेंट बनते रहे, आहा इनको बाहरी रूप में ना देखना, मेरी कसम इनको अंदर रूप में देखना, खाए पड़े हैं चिंताओं में फिक्रों में, ओ नीली पीली गोलियां खा के सोते हैं यारो, नींद नहीं आती इनको चिंता कर करके, ओवर स्ट्रेन कर करके नारियों के ऊपर इनकी नींद भी हराम हो चुकी है। और दूर के ढोल सुहाने रे बाबा, ओए ये तो किसी ने शाप दे रखा है कि कल युग में तुम बड़े बनना, ये किसी का शाप है, अरे ये तो किसी का शाप है, कल युग में प्राइम मिनिस्टर बनना, कल युग में प्रेसिडेंट बनना, कल युग में जो है ना चीफ मिनिस्टर बनना, अर्थात क्या बाहरी रूप में बड़ा बनना, ना नींद आएगी ना भूख लगेगी, और धक्के खाते रहेंगे, हाय हाय कभी कहीं कभी कहीं कभी इसको ये मौजे बनते धक्के हैं, अगर देखा जाए बिल्कुल धक्के धक्के, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कहीं भी रहो, लेकिन शरीर एक नहीं जो शरीर को चला रहा है। हमें तो अपने उच्च कोटि के गुरुदेव आचार्यों से यही पाठ मिला है, बच्चे वो एक है अनेक सूरतों में जो है छिपा पड़ा है, अरे एक है वो जात एक है। चलो जब दर्शन होंगे देखी जाएगी, पर अभी बौद्धिक रूप में तो पक्का कर लें,
कि वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई, वही जात और कितना प्रकट करती है। सुनर्जन में हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। आगे प्रकट देखो, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे वो माया का चक्कर। तो हम माया को ना देखें, माया के चलाने वाले को देखें। वाह बेड़ा पार, फिर मेरे कहने की जरूरत कोई नहीं, क्या हो जाएगा, करते हैं खालिस इबादत मेरी। अब क्या होगा, यक दिल जी में न रखे दुई। अब वो यक दिल हो जाएंगे, उनके जो मन बटे हुए थे यहां था वहां, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब उनके मन बटेंगे नहीं, अब उनका मन बिल्कुल भक्त हो जाएंगे, बिल्कुल भक्त। क्या, जिनके मन में विभाग नहीं है वो भक्त है, जिनके मन के टुकड़े नहीं हुए भक्त। हाँ, जो टुकड़े नहीं हुए जिनके भक्त, टुकड़े नहीं हुए हुए। या एक महापुरुष ने कहा, अरे भक्त तो भाग से बना है, भाग में नहीं हिस्सा। घर में आपने कोई चीज बनाई, हाँ ये बड़ी बहन का हिस्सा रख दो, ये इसका हिस्सा, ये भैया का, ये पिताजी का टिफिन कैरियर भर दो, वो आके खाएंगे। घर में जो चीज बनती है वो आप भाग कर देते हैं। आज यहाँ सवेरे हलवा बना था, हाँ आपको पता नहीं पुत्र हलवा बनाया गया, तली तली थी तो हलवा बना के हमने बाहर खड़े हो गए, भाग बनते गए, ये भाग देते भाग कर दिए गए, दो दो इतने कर देखो इस तरह भाग। अब जो है भक्त कौन, हाँ जो जो जिसने अपने आप को भगवान के भाग में दे दिया, भगवान मैं तेरे भाग का, मैं तेरे हिस्से का, उसको बोलते हैं भगत। बाबा एक बार फिर बता दे, हम घर में भाग रखती है ना, भाई बड़ी बहन नहीं आई स्कूल से, ये उसकी रोटी का हिस्सा रख दो, दाल भी रोटी भी चावल भी, अब कड़ी भी बनी है कड़ी भी रख दो, ये सारे रख दी, ये उसका हिस्सा पड़ा हुआ है। हमारे घर में तो वो कमंडल और वो कौलिया रखे, आज का टिफिन कैरियर बन गया, ये उसका टिफिन भर दो, ये उसका टिफिन भर दो, ये उसका भी। या भी ऐसे ही होता है, कोई अगर मेरा भाई सेवादार बाहर गया हो तो उसके टिफिन उसके कमरे के आगे रख दी जाते, कभी नजारा देखा करे ऊपर, जैसे वो पक्षी बैठे हुए हो उनके कमरे के बाहर टिफिन कैरी पड़े होंगे, जब वो आएगा खोलेगा खाएगा, जितने बजे तेरी मर्जी आना ही। जो कहीं सेवादार गए काम करने के लिए, सेवा करने तो लेट आएंगे, तो वो जो है यहाँ पर इंचार्ज, जो आपका लंगर का इंचार्ज है, वो सारे कैरी भरा करके उसको रख देगा, ले जाए उसका उसका ये कैरी भर गए अपने अपने हिस्से, बाकी जो है जो बाहर खड़े उनको बांटो जी, वो खड़ा उनको दो, कोई खड़े उनको दो, उनको ये भाग अपने हरे के कोई खा गया। इसी तरह भक्त कौन, जिसने अपनी मन बुद्धि का भाग भगवान को दे दिया, ले भगवान मैं तेरे जोगा, ये जो है ना हिस्सा ये तेरा है, उसको भक्त बोलते। ये संसार जोगा नहीं, ये मेरी बुद्धि, ये मेरा मन, ये मेरा तन, भगवान और भगवान, ये संसार जोगा नहीं, ये तेरे जोगा, जिसने अपना मन बुद्धि का भाग भगवान को दे दिया है, हाँ वो भगवान जोगा, उसको बोलते हैं भक्त। आज का तो भक्त बदनाम कर दे गए ना, टिक्का पहन लिया या लांग लगा ली या लाल कपड़ा ऊपर रख लिया, राम राम वाला भगत जी भगत जी भगत जी, या दो चार मालाएं बाहर बरगर कर दी, आहा भगत जी भगत जी। वो नहीं भगत जी, जो जिसने अपने आप को मालिक के अर्पण कर दिया है, मालिक के हवाले कर दिया है, वो है भक्त। वो भक्त है बच्चे, ये जो मालिक जो अपने आप को दे चुका है भगवान के हवाले जिसने कर दिया, वो भक्त बन गया। वो अब उसका मन क्या करेगा, पूरा रुपये मालिक का चिंतन करेगा, पूरा रुपये मालिक का चिंतन, बस पूरा रुपये अपने भगवान का चिंतन करेगा। शाबाश। आखिर में कहना चाहता हूं, राजा जनक 12 साल के तप के बाद उसकी निर्विकल समाधि नहीं लगी, बड़ा हैरान हुआ उसने, इर्द गिर्द सारे महापुरुषों को इतला भेजी कि कोई आओ और मेरी शंका को दूर करो, वरना मेरा मन कह रहा है कि निर्विकल समाधि यह कल्पना है, यथार्थता नहीं है। राज जनक ने पीछे ऐलान करा दिया कि निर्विकल समाधि यह कल्पना होगी, मेरा मन समझ आएगा और यथार्थता नहीं समझूंगा, हकीकत नहीं समझूंगा, बल्कि कहूंगा ये हकीकत नहीं है, गैर हकीकत है। तो इर्द गिर्द वाले महात्मा लोग आए, करिए करा कर तो सब कुछ किया, इतने में बहुत दिन हो गया उसका निराश होता गया, अचानक ही भगवान की कृपा से अष्टावक्र भी पहुंच गए। अष्टावक्र जिनके शरीर में 8 टेढ़ थे, अष्ट मैंने बेटे 8 और वक्र मैंने टेढ़, जिनके शरीर में 8 टेढ़ थे, बड़ी मुश्किल से चले भी नहीं, कुछ ने उठा उठू के वहां कर दिया। तो उसने कहा राजा क्यों बदनाम करता फिरता है, मैं तेरी समाधि इतने में लगाता हूं, हाँ जितने में के घोड़े के एक रकाब में पैर रख करके दूसरे रकाब में अगर तू पैर रख सका तो फिर मुझे कहना। ये एक हिंदुस्तान में बड़ी निराली घटना घटी है। रकाब समझती है क्या होता है रकाब, बाबा रकाब भी जानती हूं, रकाब नहीं जानती।
शिकर है ये नहीं कहा मुझे कि मैं मुर्गाबी जानती हूँ रकाब नहीं जानती। रकाबी तो प्लेट होती है बुचर, मुर्गाबी तो फिर तुम्हें पता ही है जो होती है। रकाब जब घोड़े पर काठी रखी जाती है, नीचे पेटी कस लेती है, तो काठी के साथ एक लोहे का यूं बना होता है, हाँ उसमें पैर रख के घोड़े पे पलाकी मार के दूसरी तरफ रकाब में पैर रख जाते हैं, यानी पैरों पैर फंसाने वाले स्टैंड, फुट स्टैंड कहिएगा, फुट स्टैंड नॉट फुट पैड, फुट स्टैंड। जैसे कि आप स्कूटर पे बैठती हैं तो वो बने होते हैं, वो तो बनी होती है कुछ और प्रकार की, ये बीच में फंस जाते हैं। जैसे आपकी बस का वो बार बार बना हुआ है चढ़ने के लिए, तो ड्राइवर उसमें पैर रख करके ओ चढ़ गया, तो ऐसी रकाबे बनी होती है रकाब। तो उसने कहा है कैसे, तो अष्टावक्र जी आए और ने कहा अच्छा राजा तो ये कोई तरीका है ज्ञान लेने का, हाँ तो नवाब बन के बैठे हो मुझे गुरुदक्षिणा दो। हाजर, फौरन भाग आया नीचे, महाराज जी को बिठा दिया ऊपर तख्त के ऊपर, हाँ गुरुदक्षिणा गुरु का दर्जा दोनों गुरु का दे दिया गया। उसके बाद मुझे गुरुदक्षिणा दो, महाराज देने को तैयार हूं, राजपाट लो। अरे मैंने क्या कह रहा राजपाट को, महाराज धन पदार्थ जो भी जो मेरे हैं लो, रानियां रूनियां मैं जो कुछ भी मैं संकल्प करता हूं, गंगा जल लेकर के मंत्र पा जाता है और उनके अर्पण कर दिया जाता, नहीं मैंने ये लेना चाहता, तो जो आप मानती है उड़िया ध्यान दे रहा, मैं इतना कहकर आपके उतरवा रहा हूं, आगे आप जानो आपका काम जानो, हम तो सच्चाई की बातें बता रही हैं और सच्चाई की बातें लेकर के बहुत लाभ उठाए जा रहे हैं, अब आप जानो मैं तुम्हें राज की बात बता रहा हूं, आशीर्वाद भी साथ दे रहा हूं। क्या कहा, मुझे गुदक्षिणा दो, गुदक्षिणा क्या क्या गुदक्षिणा, अरे मैंने ये तूने ज्ञान लेना, मैं मुझे ना राज चाहिए ना पार चाहिए ना तेरा धन चाहिए ना पदार्थ चाहिए ना तेरी बीवी औरतें चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं टेढ़ा मेढ़ा मैं देख से कैसा, तो क्या चाहिए आप। महाराज जी फिर बड़े हैरान होंगे, मैं तो गुरुदक्षिणा दिलो ध्यान से देना चाहता हूँ, जो भी आप कहो। उरिया आप जो थे हमारे राजा जी, आप नजदीक पहुंचे और पहुंचे और पहुंचे और पहुंचे और नजदीक पहुंचे, महाराज दो उरिया हाथ दे मुझे, अपना हाथ दे, अब जो मांगूंगा देगा। महाराज जी मैंने तो अपने शरीर सारों को आपको हवाले कर दिया। झूठ, बड़े गर्ज के बोले अष्टावक्र जी, में जान भी नहीं थी और शरीर कैसी था, बिल्कुल ही क्या, बिल्कुल ही एक ब्रीफ शरीर था, जैसे एक ब्रीफ अटैची होती है, बिल्कुल ही पॉकेट एडिशन था, पॉकेट एडिशन उनका शरीर था बेटी, तो इतना शब्द का दे दे दे, दे, दे निकाल। महाराज मैं देने को तैयार हूं, जो भी आप कहो दे, और जो चीज तू मुझे दे देगा उसका प्रयोग तू नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है, ध्यान से सुनना जीवो, ओ मेरी होने यार बेटी ध्यान से, जो चीज मुझे दे देगा उसका तू प्रयोग नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, मेरा हक ही नहीं है, दे मुझे हमारा दो, अरे मैं मांग रहा हूं और तू प्रयोग नहीं करेगा, हाँ अपना मन मुझे दे दे। महाराज जल लिया, लो महाराज दे दिया, हाँ अब कोई आज्ञा नहीं, इस मन से तू सोच निर्विकल्प समाधि नलायक, कहीं के तूने 12 साल तप किया लेकिन मन के संकल्प नहीं छोड़े, ध्यान देना तूने मन के थिंकिंग भी थिंक को नहीं छोड़ा, तो हाउ कैन इट पॉसिबल देयर वुड बी निर्विकल समाधि, इट कैन नेवर बी पॉसिबल, माइंड दो मुझे और अब तुझे कोई आज्ञा नहीं, कोई आज्ञा नहीं महाराज, कि मैं इस मन से सोचूं, मन आपका हो चुका, हाँ बस लो खत्म। जो 12 सालों में ना हुआ वो एक आधी मिनट में हो गया। ये दृष्टांत हमेशा याद रखना, मालिक के नजदीक वो पहुंचती हैं जिनके संकल्प विकल्प खत्म हो जाती हैं। भगवान ने छठे अध्याय में ये राज प्रकट किया, पर आप गहरे में नहीं उतरे, गहराई में नहीं उतरे, क्या न हो उसको फिक्र चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मसलद नशीन, जिसको इधर उधर का कोई फिक्र चिंता नहीं, उसको अगर मेरे भगवान आके कहे ऐसी समाधि लगी पड़ी हो ऐसों की, हाँ और अंदर भगवान का दीदार कर रही हो, हाँ ऐसे को भगवान कहेंगे, जब लिपटेंगे भगवान ऐसों को, हाँ अंदर भी दीदार देती है ध्रुव की तरह, बाहर भी प्रकट हो जाते हैं ध्रुव, अंदर भी जिसका इंतजार कर रहा था वही बाहर प्रकट थे, तो यूं लिपट गए भगवान, यूं बैठे ध्रुव जी तो यूं लिपट गए, और क्या बोले मुंह से, अगर बाप लिपट गए ओ मेरी अच्छी बेटी, अगर बाप आपको लिपट जाए ओ मेरी पुत्री, ओए अगर आपका भैया ओ मेरी बहन, अगर कोई लिपटे आपको अम्मा ओ मेरी अम्मा, यूं उसका नाम लेके बोलोगे ना, भगवान क्या लेके बोलता है, ओ मेरे अनन्य भगत, ओ मेरी, भगवान के पास संबोधन है अनन्य, चारों ओर से मन हटाकर मेरे में लगाने वाले हो मेरे प्यारे भगत, वो तूने गजब कर दिया है चारों ओर से, आप तो कहो मेरे पुत्र है वो मेरी भी, आप लिपटोगे यूं कैसे ऐसे बैठी हो मस्त होकर भगवान का जाप कर रही, और आपने प्यार आ जाकर कमाल कर गई, और चेहरे इधर लाली आ रही हो, चेहरे पर अंदर तेज चारों ओर छिटक रहा हो, तो आप लिपट जाएंगे मेरी बेटी वो मेरी बेटी, और भगवान जा लिपटती है वो मेरे अनन्य भगत। भगवान के पास एक ही डिक्शनरी में शब्द है अनन्य,
वही भगवान मुझे और आपको 22 श्लोक में कह रहे हैं, अनन्य चिंतयन्ता माम ये जना परियुपास्ते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योक्षेमं वहाम्यहम्। जो करते हैं खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में न रखे दुई, करू हाजते उनकी पूरी तमाम, तब जा करके करू हाजते उनकी पूरी तमाम, जो वो मेरी हिफाजत में हो सुबह। भगवान करे मेरा कहना सफल हो और आप भी ये अवस्था जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करें और आपका जन्म सफल। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।